हाय गाइस वेलकम टू सीजलिंग टी तो चलिए बात करते हैं आज सभा ने जो एक कोलैब उठाया है रेस्ट होटल का उसने सुबह सुबह बोला आज के ब्लॉग में हमें किसी होटल से इनविटेशन आया है हमें खाना खाने जाना है सब जगह सबको बुलाया है तो लेकर चलती है अपनी अम्मी को दोनों बच्चों को जो मैंने अलग से बताया है ब्लॉग में पूरा दिन उसने बच्चों का वेस्ट किया है खाना खिलाने के चक्कर में अपने कोलेबोरेशन के चक्कर में अपने फायदे के लिए तो उसे मैरियट का वो आया था कोलेबोरेशन तो वो चल पड़ते हैं अपने सच धज के और वहां जाके क्योंकि फ्री में कोलाब्रेशन होता है कि जब कोलाब्रेशन होता है तो जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ वो ये होता है कि को हो, होटल वाले तुम्हें इन्विटेशन भेजते हैं जिसमें तुम्हें फ्री में खाना खाना होता है और तुम्हें उसका रिव्यू देना होता है रिव्यू मतलब तुम्हें उसके बारे में बातें करनी होती है कि खाना बहुत अच्छा है होटल बहुत अच्छा है लोग बहुत अच्छे हैं स्टाफ बहुत अच्छा है और होटल का थोड़ा सा दिखाना होता है तुम्हें शूटिंग करके ताकि जो तुम्हारे तीन चार मिलियन के फॉलोवर्स हैं उनमें से कुछ लोग वहां पे जाएं और उनकी सेल बढ़े तो ये होता है कोलेबोरेशन किसी भी रेस्टोरेंट का या होटल का

वो अपना पूरा दिखाया है कि यहाँ पे इतना अच्छा स्टाफ है यहाँ पे इतना अच्छा खाना है खाना बहुत अच्छा है अपनी गर्दन हिलाई गर्दन हिला हिला के बहुत अच्छा खाना है और अपना ऑडिटर तो साथ लेके जाते हैं ये वो तो फ्री में बेचारा कोने में बैठ के इनको शूट करता रहता है और उसके बाद ये छत पे जाते हैं अरे यहाँ से एरोप्लेन दिखता है वहां जाके दोनों बच्चे ऐसी ऐसी जहिलो वाली बातें कर रहे हैं एरोप्लेन मैंने पहली बार देखा है फ्लाइट लेते हुए अरे ऐसे उड़ता है अरे ऐसे गिरता है ऐसे नीचे आता है रिजा ऐसे नीचे आता है ऐसे उठता है इंस्टा पे रील पे कहीं पे यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा कि फ्लाइट लैंड कैसे करती है और फ्लाइट टेक ऑफ कैसे करती है तुम बॉम्बे में रहते हो शेम ऑन यू अगर तुम्हें नहीं पता कि कोई भी फ्लाइट लैंड कैसे करती है या टेक ऑफ कैसे करती है और ये देख के तुम इतने सरप्राइज हो रहे हो तो सही में तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम्हारी एजुकेशन कहाँ से हो रही है मुझे ये डाउट हो रहा है अब क्योंकि ये तो मतलब आज के जमाने में आज के इंटरनेट के जमाने में हर बच्चे को पता होता है क्योंकि ऐसे वीडियोस वगैरह दिख जाते हैं कहीं ना कहीं और ऊपर से ये बच्चे तो क्लेम करते हैं हम तो सारी वेब सीरीज देखते हैं हम तो सारा ये देखते हैं रिहानी बोल रहा था हम तो सारी वेब सीरीज देखते हैं तो वेब सीरीज वगैरह में तो बहुत दिखाते हैं फ्लाइट कैसे लैंड हो रही है तो उसमें क्या नया दिख गया तुम्हें चलो अम्मी की बात मानती है कि अम्मी को नहीं पता होगा ये सब कि उन्होंने नहीं देखा होगा होगा एयरपोर्ट इतने पास से तो उनके लिए थोड़ा सा फैसिनेटिंग बट एयरपोर्टिंग एंड उसके बाद पूल पे ये देखो हमारा पूल ये देखो ये ये देखो वो तो पूरा शूट वूट करके ये लोग आ गए और इन्होंने अच्छा खासा रिव्यू दिया कि हाँ भैया बहुत अच्छा है क्योंकि फ्री में खाना मिल गया था अब बात करते हैं जब ये रेजा का बर्थडे मनाने गई थी ताज होटल में मुंबई के ताज होटल में जो मुंबई की एक बहुत बड़ी प्रेस्टीज है बहुत बड़ा प्राइड है और वहां पे अटैक्स वगैरह हुए हुए थे तो, 26 नवंबर को ये सबको पता है तो वहां पे सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है तो वो बहुत केयरफुल रहते हैं

तो पहली बात तो इन्होंने ये देख लिया था कहीं से क्यूपन ने आया होगा इनके पास कि अच्छा भाई ब्रंच मिलता है और ब्रंच में इनको काफी चीजें ये सोच रहे थे ब्रंच में काफी टोस्ट खास के आ जाएंगे और हमें पड़ जाएगा ठीक बट ये पहुंचते तो हर जगह लेट ही हैं तो ब्रंच का टाइम हो गया था खत्म तो उन्होंने बोला कि पर पर्सन 1500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे तुम्हें तब तुम मतलब खा सकते हो मिनिमम प्राइस होता है पंद्रह सौ रुपये पर पर्सन अदरवाइज तो कोई भी आ जाएगा ना रहा चलता कि भाई मैं तो ऐसे घूमने फिरने आ गया मेरे को तो सिर्फ एक कॉफ़ी पीनी है तो इनका एक मिनिमम प्राइस होता है बड़े बड़े होटल्स का ताकि उनका स्टैंडर्ड डाउन ना हो वरना कोई भी आता फिरेगा वो तो मैं तो ऐसे पानी पीने ही आ गया जी ऐसा नहीं कर सकते उसमें तो वहां पे जाके इसका रोना निकल गया कि अरे नौ सो पचास पढ की भेल पूरी। मतलब एक -एक प्राइस पड़ पड़ के बोल रही है वो जब तुम पचास के गाउन लेने चले जाते पंद्रह सो रूपए पर पर्सन पड़ेगा अरे इतना महंगा पड़ जाएगा हमें तुम रिजा का बर्थडे मनाने जा रहे हो तुमने आधे से आधा ब्लॉग उस पे खींच दिया अपना तुम उस ब्लॉग से ही पचास मतलब कितना अगर मैं गलत ना कहूं तो उसमें से डेढ़ लाख रुपए तो तुम कमाई लोगी उस ब्लॉक से जो रिजा के बर्थडे के नाम पे तुम खींच रहे हो और वहां पे तुम उसको खाना भी नहीं खिला रहे थे वहां पे रोना निकल गया इनका और वहां जाके ये शूट करने लग गए लॉबी शूट कर रहे हैं सीढ़ियां शूट कर रहे हैं तो वहां पे किसी सिक्योरिटी वाले ने इसे मना कर दिया होगा ऑब्वियसली मना करते हैं वहां पे और वहां पे लोग बैठे होते हैं फॉरनर्स बैठे होते हैं एंड नॉट वॉन्ट देर प्राइवेसी टू बी अटैक्ट अगर आप सोचिए आप किसी जगह

पे शूट नहीं कर सकते फिर भी ये जहाँ जाके जा चुपके चुपके शूट करके आ गए क्योंकि व्लॉग तो बनाना था वही क्या करेंगे नहीं तो तो वहां पे व्लॉग बना लिया और बेशर्मों की तरह आके बोलते हैं सनी अरे तुम तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने मना भी किया था फिर भी तुम तो छुप छुप के आ, मतलब शूट कर ही आई तो बहुत अच्छी बात है ये बहुत बहादुरी की बात है तुम ये इन्फ्लुएंसर होके अपने व्लॉग में दिखा रहे हो कि तुमने चुपके से शूट कर लिया तो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम तो ये इंकरेज कर रहे हो कि जो अगर किसी चीज के लिए रोका जा रहा है तो वो तुम छुपके कर लो अगर तुम किसी बहुत बड़े टेम्पल में जाते हो या बैंक में जाते हो या कई ऐसी जगह जाते हो जहाँ रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है तो तुम ये इंकरेज कर रहे हो कि ठीक है छुपके से रिकॉर्डिंग कर लो चलता है तो अगर तुम इन्फ्लुएंसर बनने का वो दावा कर रहे हो ना तो थोड़ा सा ये लोग अपना भेलपुरी से खा के किसी तरह कॉफी कॉफी पी के और चीज सैंडविच उसने मंगाया है उसमें वो कह रहा है चीज में तो कच्चा बीफ है वो पत, बीफ है या पता नहीं चिकन है क्या है और लेकिन उसमें चीज था एक तो पहली बात ये बड़े बड़े होटल में चले जाते हैं ना इन्हें नाम पढ़ना आता ना इन्हें समझ होती कि, कि किस वर्ड का मीनिंग क्या है और वो किस टाइप का खाना है ये मुंह उठा के पहुंच जाएंगे फिर वहां पे जाके एक दूसरे की शक्लें देखते हैं कि अब करें क्या ठीक है तो वहां इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ये लोग कि इन्हें खुद ही नहीं समझ आता हम करें क्या भैया तुम तो ये ढाबे पे बिरयानी खाने लायक ही हो तुम तो बड़े होटलों में जाया ही मत करो पहली बात तो वहां जाके इन्होंने छोटा मोटा कुछ खाया ना इनका पेट भरा ना इनका औकात थी पैसे खर्च करने की ना इनकी हिम्मत थी और वहां रिजा का बर्थडे मनाने गए हैं और केक भी नहीं काटा और नीचे आके सड़क के किनारे पे मैं आपको यहाँ फोटो दिखाती हूँ आपको ये देखिए ऐसे केक काट लिया उन्होंने एक छोटा स्लाइस कहीं से लेके और फिर ये आके घर में आके होटल के इतनी बुराइयां करते हैं पहली बात बोलते हैं, वहां तो केक था ही नहीं हमने केक बाहर से लेना पड़ा मम्मी अम्मी ये तो सारे साढ़े नौ सौ की भेल मिल रही थी भैया तुम फाइव स्टार सेवन स्टार होटल में जाओगे तो तुम्हें क्या दस रुपए की भेल मिलेगी और जब भी तुम्हारे साढ़े नौ लग रहे हैं तो केक के तो दो चार हजार रुपए लग जाएंगे तो क्यों पैसे खर्च करें हम रिजा के लिए क्यों पैसे खर्च करें रिजा तो हमारा भैया असिस्टेंट है पर्सनल हेल्पर है उसको तो हम ऐसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं वो उसको हरी ड्रेस बना के ले चल ले गए वहां पे और मैडम जी के कपड़े देखो हालत देखो वो ऐसे ताज में जाते हैं मतलब उनकी हालत देख के उन्होंने समझ गए होंगे कि ये तो क्या ही खरीदेंगे कुछ और वहां पे जाके जिस तरह से बौखला जाते हैं ना ये लोग एकदम तो हाथ पांव फूल जाते हैं इनके ऐसे इधर उधर देखने लगते हैं तो बॉडी लैंग्वेज से भी समझ आ जाता है जो वहाँ का स्टाफ है वो वहाँ रोज हजारों लोगों से मिलता है वो लोगों को देख के समझ जाएगा कि ये किस लेवल के लोग हैं कि ये लोग आएंगे खाएंगे या सिर्फ ऐसे ही है तो वो कहते हैं ना कि पैसा कितना भी आ जाए क्लास नहीं आती है उससे तो जो बंदे मतलब ऐसा नहीं कह रही कि एजुकेशन और क्लास डिफरेंट चीजें हैं अगर जैसे वो कहते ना कि किसी को गरम गरम मिल जाए भूखे को गरम गरम मिल जाए तो वो फटाफट खाता है मुंह जला लेता है तो इनका ये हाल है एकदम से दो तीन साल पहले इनको पैसा आ गया तो ऐसे बौखला गए हैं हर चीज इन्हें करनी है हर चीज ना इन्हें जाना आता पहले पहले सीख लो कहां पे कैसे बैठते हैं उठते हैं कैसे बात करते हैं कैसे कपड़े पहन के जाते हैं ताकि तुम वहां कम्फर्टेबल फिट हो ऐसे नहीं की बस मुंह उठाया चल पड़े जी कहीं भी तो इसने ताज होटल की आके इतनी बुराइयां की है कि खाना भी अच्छा नहीं था वो तो क्या क्या ब्रेड में पता नहीं क्या कच्चा डाल दिया था कुछ इन्होंने मीट और फिर सनी कहता है कितना बेकार था रूह भी नहीं भरी और पेट भी नहीं भरा भाई तुम टाइम पे जाते और तुम ठीक से खाना ऑर्डर करते और तुम्हारा सब कुछ पेट भी भरता और रूह भी भरती बट ओनली थिंग इज तुम्हारी जेब खाली हो जाती तो तुम जेब खाली ना हो इसलिए तुम ये सब नाटक कर रहे थे कि वहां तुमने खाना नहीं खाया और तुम्हें पैसे दे खाना पड़ रहा था अगर ताज होटल तुम्हें बुला ले ना फ्री में कि आ जाओ जी हमारा रिव्यू करो तो तुम तो ऐसे चाटते चाटते पहुंच जाओगे और ये बोलोगे कि हाँ ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है सब कुछ अच्छा है बहुत 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 अच्छा 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 है अच्छा है है सनी ये फिर तुम उसका रिव्यू दोगे अच्छा अच्छा और जहाँ तुम मेरेड गए थे उसका खाना जैसा भी हो तुमने रिव्यू वो सारा अच्छा दिया सब कुछ बहुत अच्छा है और क्योंकि वहां तुम्हें फ्री का मिला था और यहाँ ताज में तुम्हें पैसे दे मिला था तो ये तुमने ताज की तो इतनी बेजती कर दी मुझे तो लग रहा पास। तुम इतने सारे लोगों को एक कर रहे हो ताज होटल के अगेंस्ट ताज एक बहुत बड़ा होटल है ऐसा नहीं है कोई एरा गहरा कोई ढाबे की दुकान है कॉर्नर की कि तुमने उसके बारे में अच्छा बोला है बुरा बोला तो क्या ही फर्क पड़ता है कौन जाएगा देखने ऐसा नहीं है वहां पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं फॉरेन से जो लोग आते हैं जो चाहे इंडियन हो चाहे टूरिस्ट हो कोई और आ, मतलब कोई ट्रेवल कर रहा है इंडिया में तो वो ताज में हैं। तो तुम बोल रहे हो, ए, अच्छा नहीं था सोचो भी मत तो ताज महल ताज होटल की जो ताज पैलेस की तुमने बुराया किए ना वो सिर्फ इसलिए किए है क्योंकि तुम्हें अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ा था उसमें और जो जहाँ तुम्हें फ्री का सामान मिल जाता है तो तुम लपक लपक के भागते हो और जहाँ पे पैसा खर्च करना पड़ जाए तो तुम्हारा रोना निकल जाता है तो ये रसगुल्ली है जो डब्बा है सबा ये बहुत चालू है ये बहुत मतलब कंजूस है और सिर्फ अपने सनी पे पैसा खर्च करना चाहती है ये और अपने ऊपर और सनी ने भी बहुत हाथ टाइट कर रखे हैं आजकल जैसे ये बच्चों को घुमाने फिराने ले जाते हैं ना साफ बोल देता है कोई कुछ नहीं खरीदेगा कोई कुछ नहीं खरीदेगा और ये इसीलिए इसने ताज में होटल में जाने के बाद बच्चों को ना कुछ खिलाया पिलाया और रात के दो बजे घर पहुंचे थे ये लोग ये शाम को छह बजे से निकले हुए दो बजे घर पहुंचे इन्होंने भेल भूल खिला दी और बस हो गया तो ऐसे करती है ये और इन्हें बच्चे इसलिए चाहिए क्योंकि कंटेंट बनाना है दोनों को ले जाएगी घुमाएगी फिराएगी एक जूस पिला देगी या कोई कॉफ़ी पिला देगी और उनको घुमा फिरा के ले आएगी उनकी पढ़ाई खराब करती है सारा टाइम बर्बाद करती है इनका और अपने कंटेंट में ऐसा कंटेंट इन्हें यूज करती रहती है तो बेसिकली इस ब्लॉग का पर्पज़ सिर्फ यही था कि इन्हें फ्री का खाना मिला तो बहुत अच्छा रिव्यू दे दिया अच्छा जैसा भी होटल जैसा भी हो खाना और जहाँ इन्हें पैसा देना पड़ गया वहां इनके रोना निकल गया शक्लें बन गई अब ये देखिए इसकी शक्ल कैसे बनी है ताज में किसी को कोई हक हाँ नहीं बनता इतने बड़े होटल चेन को इतने प्रेस्टीजियस होटल को का नाम बदनाम करने का स्पेशली इन जैसे लोगों का तो बिल्कुल नहीं बनता अगर सच में किसी ने जेनुअनली कोई प्रॉब्लम झेली है तो बनता है लेकिन जस्ट बिकॉज कि तुम पैसे नहीं खर्च करना चाहते और तुम्हें फ्री में कुछ नहीं मिला और तुम्हें दो बार टोक दिया गया शूटिंग करने के लिए तो तुम के उस होटल की धज्जिया उड़ाओ ये बिल्कुल जायज नहीं है और मतलब कोई होता तो सही में केस कर देता तुम पे तो अकल आ जाती तुम्हें लेकिन ताज वालों ने भी सोचा ना या इनके कहने से इनके इनके जो ब्लॉगर्स हैं इन लोगों के बोलने से मेरी दुकान थोड़ी ना चलती है कि ताज इतना बड़ा होटल है कि इनके बोलने से सही बताओ तो उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका जो कस्टमर बेस है वो बहुत डिफरेंट है और वो इन जैसे लोगों को तो देखता भी नहीं होगा कभी इन जैसे के ब्लॉग से उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता होगा तो चलिए गाइस बने रहिए और कमेंट करके बताइए मुझे और मुझे उन लोगों के कमेंट्स नहीं चाहिए जो ये लिख रहे हैं आप जेलस हैं आप जेलस हैं भैया पहले तुम थोड़ा दुनियादारी सीख लो देख लो अपनी जिंदगी पे काम करो और फिर बात करना तो अपने अपना कुछ प्रोडक्टिव काम करो और जो थोड़े पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं वो बताना कि इसने जो किया वो सही किया या गलत किया इसने आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं कि ये फ्री का खाना मिला तो इसने अच्छी तारीफ़ें कर दी और जहाँ पे करके खाना पड़ा तो इसने बुराइयाँ शुरू कर दी तो सिर्फ इस बात से मुझे बताना कि आप एग्री करते हैं या नहीं तो चलिए बने रहिए एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू हैव अ गुड डे